नमस्कार दोस्तों, साउथ अफ्रीका की टीम को लगे टेस्ट सीरीज से पहले दो बड़े झटके। स्टार खिलाड़ी हुए टीम से बाहर, तो कौन से वो दो खिलाड़ी हैं बताने वाले हैं आपको इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर लें। भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका टीम के साथ पहला टेस्ट मुकाबला 26 दिसंबर को खेला है, जिसके लिए भारतीय टीम काफ़ी तैयारियों में लगी हुई है, क्योंकि यह दौरा भारतीय टीम के लिए काफ़ी लंबा रहने वाला है, जहाँ भारतीय टीम 3 टेस्ट 3 वनडे और 4 T20 मैचों की सीरीज खेलने वाली है। लेकिन इस दौरे से पहले साउथ की टीम को दो बड़े झटके लग चुके हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका के तूफानी बल्लेबाज विकेटकीपर क्वांटन डी कुक पहले टेस्ट मुकाबले से बाहर हो चुके हैं। यह फैसला खुद क्वांटन डी कुक ने लिया है, क्योंकि क्वांटन डी कुक के बच्चे के जन्मदिन के अवसर पर वह नहीं चाहते कि वह क्रिकेट का मैच खेले, वह चाहते हैं कि वह अपने बच्चे के साथ जन्मदिन मनाए। और वहीं दूसरा खिलाड़ी ओर्निथ नोटजे हैं, जो टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं, क्योंकि हाल ही में ICC ने इसकी जानकारी ट्वीट करके सभी को दी है। तो ऐसे में यह दोनों बड़े खिलाड़ी भारतीय टीम के लिए काफी फायदेमंद होने वाले हैं, क्योंकि फिलहाल दोनों ही खिलाड़ी शानदार फॉर्म में थे। लेकिन अब इन दोनों के बाहर हो जाने के बाद साउथ अफ्रीका की टीम की काफी मुश्किलें बढ़ चुकी है। तो अब देखना होगा इन दो खिलाड़ियों की जगह कौन से दो खिलाड़ी भारतीय टीम को चुनौती देने वाले हैं। हालांकि भारतीय टीम के लिए साउथ अफ्रीका से सीरीज जीतना काफी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि भारतीय टीम ने 29 सालों में साउथ अफ्रीका टीम के साथ 7 सीरीज खेली है, जिसमें से भारतीय टीम 6 सीरीज में हार चुकी है और वही 1 सीरीज ड्रॉ करवाने में सफल रही। तो देखना होगा कि विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम इतिहास रच पाएगी या नहीं। तो दोस्तों, ऐसी क्रिकेट की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।